इंदौर के ब्रिलियंट कॉन्वेंट सेंटर में दो दिवसीय 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलन करते हुए किया। इस दो दिन आयोजन में उद्योग से जुड़े अलग अलग कंपनी के लोग भी शामिल हुए। वहीं एक उद्योग संबंधी प्रदर्शनी भी लगाई गई। दो दिन ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुभारंभ करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा, मध्य प्रदेश को सेकंड अवसर मिल रहा है ई गवर्नेंस के इस आयोजन का। यह आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कॉन्वेंट सेंटर में किया जा रहा है। ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को इस टाइम ज्यादा से ज्यादा फुल सुविधा कैसे मिले उस पर चर्चा का अच्छा सदुपाय है। यह ई गवर्नेंस का ही कारण है। जो आज लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, आज ऑन टाइम घंटों में हितग्राहियों तक पहुंच जाती है। ना तो हितग्राहियों को पंचायत में चक्कर काटने पड़ते हैं, ना किसी से संपर्क करना पड़ता है। मंत्री सकलेचा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 25 दिनों में 125,000 महिलाओं का पंजीयन करना कैसे बहुत उदार है। सरकार पेपरलेस में आगे बढ़े, नई ट्रांसपीटिंग आए, नई आईटी कंपनियां आई, उसको लेकर ये चर्चा की जा रही है। वहीं इस दो दिनी आयोजन में उद्योग कारोबार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में नेशनल ई गवर्नेंस का सेकंड मध्य प्रदेश को अवसर मिल रहा है कार्यक्रम को लॉन्च करने का। ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इन टाइम और फुल सुविधाएं कैसे मिले उसकी चर्चाओं का अच्छा स्वरूप आएगा। ये ई गवर्नेंस का ही कारण है कि आज चाहे लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि हो, ये तुरंत ऑन टाइम हर हितग्राही तक घंटों में पहुँच जाती है। ना तो उसे कहीं पंचायत में चक्कर काटना पड़ता है, ना किसी को संपर्क करना पड़ता है। और मैं तो ये इस बात की वास्तव में माननीय शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि शायद 25 दिन में ये पूरे दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 125,000 महिलाओं का पंजीयन करना, उनका EKYC करना, बैंक खाता खुलवाना, आधार से कनेक्ट करना और उसके बाद 20 दिन में उसको वेरीफाई करके 2.5 महीने में मतलब हितग्राही तक पैसा पहुंचाना। तो ऐसे ये तो एक उदाहरण बताया, ऐसे कई उदाहरण हैं। आपका फूड एंड सिविल सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो ये सब और पेपरलेस काम की तरफ सरकार और तेज़ी से बढ़े, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उसके लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है। कई नए आइडिए आएंगे अलग अलग राज्यों के, जो बेस्ट वर्क है वो रिपीट ना हो, एक दूसरे से अडॉप्ट कर लें, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर रीवर्किंग होती है उसी चीज़ की तो सरकार की एनर्जी और पैसा लगता है, वो भी बचे और हम मिलके एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके पूरी कंट्री को दुनिया में कैसे और आगे लाएं। इसी के साथ थोड़ी बहुत चर्चा है कैसे आने वाले समय नए जो AI के विषय आने वाले हैं उसको एजुकेशन में कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा आज का AI का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा और उसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी मेरी विधानसभा के सभी 9th से 12th के स्कूलों में AI सिखाना शुरू कर दिया, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के लिए बच्चा अगर वो सीख जाएगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होगा, साथ ही घर बैठ के कई अपॉर्चुनिटीज काट। एनिमेशन इन AI इज द सब्जेक्ट ऑफ द फ्यूचर विच वी वांट टू अडॉप्ट। क्या आने वाले समय मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में भी AI को शामिल करवाया जाएगा? क्या करवाया जाएगा? सर्टेनली, प्रधानमंत्री जी की नीति में ही है, नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक,
थैंक यू।